बहुत अच्छा, बहुत इजी था। अच्छा, बहुत इजी था। हाँ। अच्छा, जो होम एग्जामिनेशन पेपर आप लोगों को लिया गया था उससे अपर था कि उससे वो था क्या? नहीं सर, उसके लेवल का ही लग रहा था और हम लोग ने तैयारी अपने हिसाब से की थी थोड़ा, तो इस वजह से भी इजी लगा। हाँ सर, बहुत सुंदर पेपर है। बच्चों के स्तर से जो बच्चा मन लगा कर पढ़ा होगा, हालांकि मन लगाने वाले के लिए तो सारे पेपर अच्छे होते हैं, लेकिन ये है बहुत ही सरल पेपर है। क्योंकि बोर्ड ने 30% का कोर्स भी घटा दिया था, 30% कोर्स जो है वो पूरे में से कम किया था, कोविड के कारण कक्षाएं देर से शुरू हुई थी, तो इस कारण अभी मैं जो देख पा रहा हूँ वह उस स्तर से ये पेपर बहुत ही सुंदर पेपर है, बहुत सरल पेपर है। हमारी आशा है कि इस पेपर में इंटर का जो परीक्षार्थी विद्यालय नियमित जाता होगा वो कम से कम 70-80% नंबर जरूर पाएगा। मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। आप IAS बनने जाएं, चाहे PCS बनने जाएं, चाहे आप रेलवे में क्लर्क बनने जाएं, लेकिन हिंदी उसमें कंपटीशन के रूप में आपके साथ रहेगी। इसलिए हिंदी को कभी भी आप उपेक्षित पढ़ाई में न। UP हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का आज पहला दिन है। मैं इस समय खड़ा हूँ एक अयोध्या में, एक सेंटर है मनोहर लाल इंटर कॉलेज अयोध्या। अभी देखिए यहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है भारी सुरक्षा के बीच में। अभी 5 बजने वाले हैं, बच्चे अभी निकलेंगे। अभी उनसे मैं बात करता हूँ कि आज हिंदी का पहला पेपर था, कैसा पेपर था अभी? कुमार, हाँ, कैसा पेपर रहा? बढ़िया गया पेपर। अच्छा अच्छा, बहुविकल्पीय कितना रहा? 10 ही था। 10? 10 क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ ना, हाँ बच्ची, कैसा पेपर गया? अच्छा गया। कैसा पेपर बेटा? अच्छा गया। अच्छा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? अमिता यादव। अमिता, कैसा पेपर रहा? अच्छा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सब आपने कर लिया है? जी जी। अच्छा, ठीक ठीक। तुम्हारा पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कितना किया आपने? क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव सारा कर लिया है? टोटल 100 में कितनी उम्मीद है? 100 में 85 से लगभग। अच्छा, कितना पढ़े थे बेटा? कितना पढ़े थे? पेपर कैसा रहा होगा? बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ बेटिया बताओ, कैसा पेपर था? अच्छा था पेपर, एक्सपेक्टेशन करी थी उससे ज्यादा अच्छा गया। और थोड़ा जो होम एग्जामिनेशन आपका लिया गया था स्कूल में उससे बेहतर था? उससे बेहतर था, मुझे अच्छा लगा पेपर देके। डर था एक, पहली बार दिया था क्योंकि 10th में दे नहीं पाई थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब की बहुत अच्छा लगा देके। अच्छा अच्छा। और आप तो गार्जियन सर? जी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बेटा इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा? अवशेष यादव। हाँ अवशेष कुमार। कैसा पेपर था? हिंदी बढ़िया पेपर था। पेपर अच्छा गया है? अच्छा था। अच्छा अच्छा, कितना पढ़े थे? हम तो हाई स्कूल तो पढ़े थे, उसके बाद इंटर में क्या नाम किया गया था। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, बहुत इजी था। अच्छा, बहुत इजी था। हाँ। अच्छा, जो होम एग्जामिनेशन पेपर आप लोगों को लिया गया था उससे अपर था कि उससे वो था क्या? नहीं सर, उसके लेवल का ही लग रहा था और हम लोग ने तैयारी अपने हिसाब से की थी थोड़ा, तो इस वजह से भी इजी लगा। हाँ सर, ये बताइए हिंदी का स्कोप है आगे आने वाले कम्पटीशन में, क्या हिंदी आगे पढ़ेंगी कि हिंदी बस यहीं ब्रेक कर देगी? सर हिंदी तो हम आगे नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी में है, सो बायोलॉजी में साइंस साइड जाना चाहूँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बेटा। हाँ भैया, कैसा आपका शुभ नाम क्या आपका सर? अच्छा था। हाँ, क्या नाम आपका? जसविंदर नाम है। पेपर कैसा रहा? उबरा बढ़िया था। ऑब्जेक्टिव आपने सब कर लिया था लगभग? आज हिंदी का पेपर था और आप देखिए हमारे सामने हिंदी के लेक्चरर भी एक मिल गए संजोग से। पेपर आपने पेपर लेवल देखा किस तरह का था गुरुजी? बहुत सुंदर पेपर है। बच्चों के स्तर से जो बच्चा मन लगा कर पढ़ा होगा, हालांकि मन लगाने वाले के लिए तो सारे पेपर अच्छे होते हैं, लेकिन ये है बहुत ही सरल पेपर है। क्योंकि बोर्ड ने 30% का कोर्स भी घटा दिया था, 30% कोर्स जो है वो पूरे में से कम किया था, कोविड के कारण कक्षाएं देर से शुरू हुई थी, तो इस कारण अभी मैं जो देख पा रहा हूँ वह उस स्तर से ये पेपर बहुत ही सुंदर पेपर है, बहुत सरल पेपर है। हमारी आशा है कि इस पेपर में इंटर का जो परीक्षार्थी विद्यालय नियमित जाता होगा वो कम से कम 70-80% नंबर जरूर पाएगा। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि सर, जो आप बच्चे यहीं के बाद हिंदी ब्रेक कर देते हैं, हिंदी में रुचि नहीं है आजकल और कंपटीशन में UP के एग्ज़ाम जितने हैं उसमें हिंदी आती है, आप उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए।
मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। आप आईएएस बनने जाएं, चाहे पीसीएस बनने जाएं, चाहे आप रेलवे में क्लर्क बनने जाएं, लेकिन हिंदी उसमें कंपटीशन के रूप में आपके साथ रहेगी। इसलिए हिंदी को कभी भी आप उपेक्षित पढ़ाई में ना करें। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शांभवी सिंह। अच्छा अच्छा, कैसा पेपर था आज का? पेपर अच्छा था। जो पढ़ाया गया था सब आया था? हाँ हाँ, उसी में से आया था। अच्छा, ये बहुविकल्पी वाला कितना किया आपने? मैंने तो सारा किया है। अच्छा, कितने सही होने की उम्मीद है आपको? सही अब चला जाएगा कुछ। अच्छा, 100 में कितना नंबर आएगा? 100 में 70-80 तक ऐसे। अच्छा अच्छा, इधर आ बेटा। हाँ, क्या नाम बेटी है तुम्हारा? दीपाली चक्रवर्ती। अच्छा अच्छा, कैसा पेपर था? बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा। अच्छा, जैसी उम्मीद की थी वैसे हुआ? हाँ, जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्टिव कितना किए? सारे क्वेश्चन किए। साइंस साइड हुआ? अच्छा, इसमें तो सब एक होता है ना? यस, आर्ट साइड है। देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ बेटा, कैसा था पेपर आज का? बहुत ज्यादा अच्छा था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सब कर लिया? यस। अच्छा, 70 में कितने नंबर आने की उम्मीद? 70 में 68 तो आ ही जाएगा। 68 आ जाए, वाह बेटा, वाह, शुभ नाम। क्या नाम बेटी है तुम्हारा? रागनी मौर्य। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहोगी आगे? आगे डॉक्टर। अच्छा, पेपर कैसा था? बहुत अच्छा। तब तो साइंस पढ़ना है बायो तुम्हें ना? ठीक बेटा, धन्यवाद पढ़ना। हाँ बेटा, कैसा पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर। अच्छा अच्छा, पेपर अच्छा था? बहुत अच्छा। जो आपका होम एग्जामिनेशन था उससे भी अच्छा पेपर था? बहुत। अच्छा अच्छा, आगे हिंदी लेके चलोगे बेटा तुम? हिंदी आगे पढ़ोगी? सर, प्राची चौधरी। अच्छा, कैसा पेपर गया आज का? बहुत अच्छा गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कितना किया तुमने? सर सारे। हैं? यस सर। सारे कितने? कितने नंबर आने की उम्मीद है 70 में? 17-18। अच्छा ठीक। बेटिया, तुम्हारा क्या नाम है? शगुन गुप्ता। शगुन गुप्ता, कैसा पेपर रहा? अच्छा गया। अच्छा गया जी। कितना नंबर आ जाएगा 70 में? 60 तो आ ही जाएगा।